लिंक्डइन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसी तरीके से लिंक्डइन भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन यह प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल का मतलब है कि जितनी भी कंपनी है तो 90% से ज़्यादा जो है वो लिंक्डइन पे उसका प्रोफाइल है, और जो भी उनके एम्प्लॉयर है, जो भी काम करने वाले हैं, उसकी भी जो प्रोफाइल है लिंक्डइन पे होते हैं, जिसके जरिए वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जब भी कोई वैकेंसी निकलती है, जॉब के लिए खाली होती है, तो वो लिंक्डइन पे पोस्ट कर देती है। जिन लोगों का जॉब नहीं होता है उनका भी प्रोफाइल लिंक्डइन पे होता है और वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि लिंक्डइन पे प्रोफाइल देख के कंपनी खुद का इन्विटेशन उसके पास भेज देता है। लिंक्डइन का प्रोफाइल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जो अप्लाई करते समय उसे आप रिज्यूमे की जगह भी लगा सकते हैं। आज के टाइम में ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप यूज़ करते हो या नहीं करते हो, लेकिन लिंक्डइन यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लिंक्डइन से आपके प्रोफेशनल स्टेटस का पता चलता है। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बना के उसको यूज कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप इस पेज पे आ जाएंगे, या आपको प्ले स्टोर से लिंक्डइन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करेंगे। ओपन करते ही आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको ज्वाइन नाउ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डालना है, जो भी आपका फर्स्ट नाम है इस तरीके से यहाँ पे आपको डाल देना है, जैसे मैं अपना यहाँ पे डाल देता हूँ। लास्ट नाम यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद यहाँ कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे, जो भी आपका ईमेल आईडी है तो यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना है। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पे आपका पासवर्ड देख रहे हैं कि आपको मोर देन जो है 6 नंबर का होना चाहिए कम से कम, तो यहाँ पर अपना पासवर्ड एक चूज कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड चूज कर लेता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद एग्री एंड ज्वाइन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्किंग प्लीज वेट, तो यहाँ पर आपको कुछ वेट कर लेना है। और यहाँ पर देखिए कि वेरिफिकेशन कंप्लीट, यहाँ वेरीफाई वाले पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर एक OTP आएगा। OTP डाल के यहाँ पर आपको सबमिट, देखिए OTP आ चुका है यहाँ पे 14 11 64, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। इस तरीके से आपको भी यहाँ 14 11 64 डाल देना है। इसके बाद सिंपली यहाँ सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका सबमिट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे यस वाले पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जॉब टाइटल डालेंगे और यहाँ पे जॉब लोकेशन, मतलब आप कौन से पोस्ट पे हैं वो आपको यहाँ डाल देना है। तो इसमें से आप चूज कर लेंगे कि आपको जो है कौन सा टाइटल है, तो इसमें से आप जो भी है इसमें से आपको चूज कर लेना है। तो यहाँ से आप जो भी टाइटल है जॉब का, यहाँ से आपको चूज कर लेना है। इसमें से आपको जॉब टाइटल चूज कर लेना है। अगर नहीं है सिंपली यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ सिविल। इस तरीके से देखिए सिविल इंजीनियर आ चुका है। मैं यहाँ पे ओके करूँगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जॉब लोकेशन डालेंगे अपनी कंपनी का, तो जो भी है इसमें से अगर आएगा तो ठीक, नहीं तो यहाँ पे डाल देना है अपने कंपनी का जॉब लोकेशन। तो मैं यहाँ पे इसमें से चूज कर लेना है तो ठीक, नहीं तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इंडिया। इस तरीके से यहाँ पे इंडिया आ गया। मैं इस तरीके से यहाँ पे ओके कर लूँगा। इसके बाद सिंपली करूँगा मैं नेक्स्ट करते ही यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका अलाउ हो चुका है। यहाँ डन वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते यहाँ प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पूरा प्रोफाइल ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जॉब से रिलेटेड, सिविल इंजीनियरिंग की जॉब से रिलेटेड जो भी है वो सारे के सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर इसको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डाटा पोस्ट जो कर रहा है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर आप डाटा पोस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद एक्सपीरियंस वगैरह है के लिए, तो ले एक्सपीरियंस लेवल यहाँ पर देख सकते हैं। डाटा एंट्री, एसोसिएट, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद और इधर आएंगे कंपनी में देखने के लिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे जो भी आपको सर्च करना है। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे मैं सिविल। तो इस तरीके से आप जो भी अपने जॉब से रिलेटेड है यहाँ पर कंपनी सर्च कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैं यहाँ पर डाला सिविल, तो यहाँ पर सिविल
से रिलेटेड सारे जो यहाँ पे आपको आ चुका है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का सर्च करता हूँ तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए आपका जो है सारा का सारा यहाँ पे आप शो रिजल्ट पे क्लिक करके यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर देखिए ये जो पर्सन जो है ये जॉब ऑफर करते हैं तो यहाँ पे एड यू फीड इस पर क्लिक करके यहाँ पे इसका फीड यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे इसको आप फॉलो भी कर सकते हैं। तो ये लोग जो है जॉब प्रोवाइड करते हैं तो इस तरीके से आप इसको फॉलो भी इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ढेर सारा यहाँ पे जो है जॉब जो प्रोवाइड करते हैं इस साइट पे वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पर यह सिविल से रिलेटेड यहाँ पे है तो इस पर क्लिक करके आप सिविल से रिलेटेड सारे के सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे आपको यहाँ जो भी सिविल से रिलेटेड जॉब है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। इस तरीके से आप जिसको भी देखना चाहते हैं यहाँ पे जैसे कि ये देखिए यहाँ पे कुछ पोस्ट किया हुआ है तो इसको आप लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे माय नेटवर्क पे जाके यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे जो भी यहाँ मैनेज और डिसमिस भी इसको कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे जो भी पर्सन जो है जॉब वगैरह देते हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे प्रोवाइड में आपको यहाँ पे मिल जाता है। मैं यहाँ से इसको डिसमिस करता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे देखिए कि ये जो है पर्सन सब यहाँ पे आपको जॉब वगैरह यहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं। यहाँ पोस्ट वाले पे क्लिक करके आप यहाँ से अपने पोस्ट को यहाँ से नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जॉब पे जाके आप यहाँ पे आपको जॉब सर्च इस यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको सिविल इंजीनियर और सिविल इंजीनियर न्यू जॉब यहाँ पे है जॉब, तो इस पर क्लिक करके आप जो भी न्यू जॉब है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करके आप देख सकते हैं कि क्या जॉब है। यहाँ पर देख लीजिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से इसको सेव भी करके रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो आता है, कितने साल का क्या क्वालिफिकेशन है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, जॉब डिटेल क्या है। इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि सेट अलर्ट सिमिलर टाइप है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसको देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सिंपली अप्लाई वाले पे क्लिक करेंगे और जैसे ही अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे तो इसका अप्लाई यहाँ पे आपका हो जाता है। और यहाँ पे रिव्यू वाले पे क्लिक करके इसका आप रिव्यू भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से दिखेंगे अप्लाई टू डू यू बिल्डर्स, यहाँ बिल्डर्स के लिए अप्लाई हो चुका है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा जॉब देखने के लिए यहाँ पे देखिए जूनियर इंजीनियर क्या है, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते यहाँ पे देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन, इसके बाद यहाँ पे जॉब का जो एरिया आता है, यहाँ पे लोकेशन, यहाँ पे एक्सपीरियंस कितना मांग रहा है, स्किल यहाँ पे क्या है, सैलरी क्या मिलेगी आपको, वो सारा का सारा यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे देखिए कि एजुकेशन होना चाहिए आपको बी मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियर सिविल का। सो पर क्लिक करके इसको और ज़्यादा यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर इसका जो भी है वो सारा का सारा बायोडाटा यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप सेव करके रख सकते हैं और इसको बाद में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं या सिंपली यहाँ अप्लाई वाले पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पे ये ऑप्शन आ चुका है अप्लाई वगैरह का, यहाँ पर पूरा डिटेल आ जाता है। इसके बाद यहाँ अप्लाई वाले पे क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक करते हैं आपका तो ये आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। सो इस तरीके से जॉब में जाके यहाँ पे अपना जॉब फाइंड कर सकते हैं। पोस्ट में जाके आप जॉब के लिए यहाँ पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है जो भी अबाउट है वो पहले आपको यहाँ पे अबाउट डाल देना, जैसे मैं डाल देता हूँ हाय, तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी डालना है अपने में डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा, इस तरीके से आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आप पब्लिक के लिए भी कर सकते हैं या आप स्वयं के लिए पोस्ट ये कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे आप स्वयं भी कर सकते हैं या पब्लिक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप इसको यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे आपको सेव कर देना है, ये आपका पोस्ट हो जाएगा या सेव हो जाएगा। सिंपली मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद सिंपली यहाँ पे आपका जो भी है यहाँ पे आपको वो सारे के सारे यहाँ पे जाके आपको सेट कर लेना है। यहाँ पे देख रहे हैं कि एड फोटो सेट कर सकते हैं, यहाँ टेक वीडियो सेट कर सकते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है प्रोफाइल को एकदम सेटअप बढ़िया अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे कर लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पे नेटवर्क वगैरह मैं बता ही दिया हूँ। इस तरीके से आपको होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद यहाँ पे आपको जो भी जो पर्सन है जो आपको जो प्रोवाइड करते हैं वो 70% यहाँ पे ज़्यादातर ये मिल जाते हैं। तो आपको जो भी इसमें जो फाइंड करना सर्च करना है वो आप बहुत ही आसानी से यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सी एन न्यू पोस्ट पे क्लिक करके इसको और भी यहाँ पे जो नया नया आया हुआ है वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं इसको अगर आपको संपर्क करना है इससे तो इस पर क्लिक कर लेंगे इस तरीके से। इसको आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए यह आपका आ चुका है। इसको आप फॉलो भी कर सकते हैं इस तरीके से, यह फॉलोइंग को क्लिक करके इसको आप फॉलो कर सकते हैं, अनफॉलो कर सकते हैं और सारा का सारा यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे इसका पूरी समरी आ जाता है। इस तरीके से मैं बैक आ जाता हूँ और यहाँ से आप इसको जो भी यहाँ पे जो जॉब वगैरह प्रोवाइड करते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पर देखिए अमेजन कंपनी वगैरह का भी जॉब मिल यहाँ पे आते रहता है। इस तरीके से योर स्टोरी पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही यहाँ पे आपका परमिशन का अलाव मांगे, इसको अलाव कर सकते हैं और यहाँ पे अपना जो फोटो वगैरह है कुछ है कुछ चीज़ का, तो इस तरीके से यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। इसके बाद सिंपली यहाँ पोस्ट वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना हैशटैग लगा सकते हैं।
तो यहाँ पे देखिए ऐड फोटो है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करके अपना फोटो आप इसमें ऐड कर सकते हो, जहाँ भी फोटो हो तो यहाँ पे अपना फोटो ऐड कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए ऐड हैशटैग, तो यहाँ पे ऐड हैशटैग पर क्लिक करके यहाँ अपना हैशटैग लगा सकते हैं। यहाँ तो कैमरा से क्लिक करके लगा सकते हैं या फोटो को क्लिक करके इसमें अपना हैशटैग लगा सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे जहाँ भी फोटो होगा वो फोटो का आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको हैशटैग लगा लेना। जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके से लूँगा, जिसको फोटो आपको सेलेक्ट करना है इस तरीके से आपको सेलेक्ट करके वहाँ पे लगा लेना। जैसे यहाँ पे मेरा देखिए आ चुका है, तो यहाँ पे आपका फोटो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे मैं बैक करता हूँ, यहाँ पे देखिए आपका आ चुका है और यहाँ मैं नेक्स्ट कर दूँगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मैं पोस्ट कर दूंगा, तो पोस्ट करने के बाद ये आपका फोटो यहाँ पे लेग ऐड हो चुका है। और यहाँ पे जैसे आप ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका पोस्ट यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे नोट नाउ टर्न ऑन पे क्लिक करके इसको आप यहाँ पे टर्न ऑन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से देखिए आप जो भी पोस्ट किए हैं वो आपका पोस्ट यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ से आपको कोई लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा, सेंड करेगा, तो आपको यहाँ से भी आप पोस्ट कर सकते हैं। अगर कोई लाइक करता है डायरेक्ट इस पर लाइक पर क्लिक करके यहाँ देखिए आपका लाइक हो चुका है। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा बहुत ही बढ़िया ये फंक्शन है, जैसे लिंक्डइन पे आप कोई भी जॉब फाइंड कर सकते हैं। कोई अगर यहाँ पोस्ट करता है उसको आप देख सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ न्यू जॉब भी आता रहता है। यहाँ पर देखिए जो यहाँ जॉब अलर्ट है, यहाँ पर जॉब अलर्ट यहाँ पर फॉलोइंग का है, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। अगर ये जॉब जो इस पर डालेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो सारा का सारा नोटिफिकेशन आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर नोटिफिकेशन वाला, यहाँ देखिए एक नोटिफिकेशन यहाँ पर आया हुआ इस तरीके से, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में यहाँ पर आपको शो करता रहेगा। देखिए यहाँ पर लिखा रहा है कंग्रेचुलेशन ऑन योर फर्स्ट पोस्ट, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे भी पर क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप क्या पोस्ट किए। कोई रिक्वेस्ट करता है तो वो भी आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको मिलता रहेगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे जॉब फाइंड कर सकते हैं, किसी को फॉलो कर सकते हैं, और कोई आपको जॉब के लिए रिक्वेस्ट करता है कि तो वो भी नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पे शो होता रहेगा। किसी को इन्विटेशन भेजने के लिए सिंपली माय नेटवर्क पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद सिम को जो है नया टैब ये ओपन होकर यहाँ पे आ जाता है। यहाँ देखिए इन्विटेशन, इस पर क्लिक करके आप किसी को भी इन्विटेशन यहाँ से भेज सकते, क्लिक जैसे कीजिएगा तो ये आपको नया टैब यहाँ पे आपका ओपन होकर आ जाता है। यहाँ अगर रिसीव करते हैं वो आ जाता है, यहाँ पर सेंड करेंगे वो पूरा के पूरा ही आपको यहाँ पर इन्विटेशन आ जाता है। इस तरीके से सेटिंग भी जाकर आप इसको सेटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए इन्विटेशन सेटिंग, तो इस तरीके से यहाँ पे आप सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है। इस तरीके से मैं बैक आऊँगा, यहाँ पे मैनेज माई वीडियो नेटवर्क को मैनेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अब वार कोड वगैरह आ जाता है, इस पर तो थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका जो है लिंक्डइन वार कोड और यहाँ माई वार कोड आपको आ जाता है। यहाँ से किसी के वार कोड को स्कैन कर सकते हैं या माय वार कोड पर क्लिक करके अपना वार कोड देख सकते हैं। जैसे कि देखिए इंजीनियर राजा और यहाँ पे आपका वार कोड आ गया है, आपका वार कोड आ गया है। यहाँ से आप माय वार कोड पर, तो यहाँ से आप शेयर माय वार कोड पर क्लिक करके किसी को शेयर कर सकते हैं या सेव टू गैलरी पर क्लिक करके आप इसको सेव करके भी रख सकते हैं। तो इसको सेव करके रख लीजिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छा होता है, और ये किसी को भी सेंड कीजिएगा तो वो स्कैन करके डायरेक्ट ही आपके जो है लिंक्डइन पे ओपन हो सकता है। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे व्यू प्रोफाइल, यहाँ पे अपना प्रोफाइल सेटअप करना, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन। चलिए मैं यहाँ पे भी प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही यहाँ पे आपका पूरा का पूरा यहाँ पे आपका ऑप्शन ओपन होके आ जाता है। आपका यहाँ पे नाम वगैरह आ गया, तो आपको सबसे पहले है कि यहाँ पे अपना प्रोफाइल को सेटअप कर। यहाँ पर देखिए आपका जो है ओपन टू वर्क, यहाँ पे सिविल इंजीनियर रोल, तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे स्टार्ट गेट स्टार पे क्लिक करके इसको सेट करके रख सकते हैं। स्क्रॉल डाउन के नीचे आएंगे, यहाँ पर डैशबोर्ड आया, यहाँ पे आपको सैलरी इनसाइड आ जाता है, माय आइटम, इस तरीके से यहाँ पे जो भी पोस्ट किए रहेंगे वो सारे के सारे आ जाता है। कॉन्टैक्ट इन्फो भी जाकर यहाँ पर देखिए कि आपका जो है योर प्रोफाइल का आपका लिंक आ गया है, इस पर क्लिक करके ये आप लिंक किसी को सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि एड वेबसाइट फोन माई टाइप एड्रेस और यहाँ पे ईमेल आई डी, यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर और यहाँ पे अपना बर्थडे जो नीचे आके यहाँ पे अपना बर्थडे भी सेट कर, यहाँ पे अपना व्यवसाय रख सकते हैं, यहाँ फोन नंबर टाइप और एड्रेस, इसके बाद ईमेल आईडी, यहाँ पे एड इंस्टेंट मैसेज भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे बर्थडे टाइपिंग कर सकते हैं। इसका यहाँ पे ऊपर में जो है सेव का ऑप्शन, इस पर सेव कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको इसको सेव करके रख लेना है। यहाँ से आपको जो है इंटरेस्टेड का ऑप्शन आ जाता है जॉब का, यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक करके और सारा यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से बैक आता हूँ। यहाँ पे देखे हैं कि यहाँ पे जो है लॉक वाला आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ, तो यहाँ पे आपको सेकेंड ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका करंट पोजीशन, यहाँ करंट पोजीशन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको यहाँ पे सार ओपन होकर इस तरीके से आपका आ जाता है। यहाँ पर देखिए आप टाइटल यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सिविल, इस तरीके से यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, अपने से रिलेटेड। यहाँ पर सिविल आ गया, सिविल इंजीनियर आ गया, ढेर सारा। यहाँ पर देख रहे हैं एम्प्लॉयर टाइप, एम्प्लॉयमेंट टाइप, यहाँ पे सेल्फ में
चूज कर लेता हूँ, इस पर कंटिन्यू कर दूंगा। इस तरीके से आपका यहाँ पर देखिए कंटिन्यू और यहाँ पे आपका स्किप का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं करंट वर्क, आपका जो कंपनी है जो भी कंपनी का नेम हो वही यहाँ पर डाल देंगे, जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ माही। इस तरीके से यहाँ पर आपको डाल दें, यहाँ ढेर सारा ऑप्शन आ जाता है, इसमें से जो भी है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी एक, आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ माही बिल्ड होम। इस तरीके से डालिएगा तो यहाँ पर देखिए माही बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड, ये मेरी कंपनी है, मैं इस पर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आपका आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट डेट और प्रेजेंट डेट है जो भी है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जो भी आप स्टार्ट किए हैं वो डेट यहाँ पे आप डाल देंगे। इस तरीके से सेट पर क्लिक करके सेट कर लीजिएगा। यहाँ पर आई करेंट वर्क इन रोल और यहाँ पर एड इंडस्ट्री, इस पर कंटिन्यू कर दूँगा। कंटिन्यू करते ही यहाँ पर देखिए आपका लोकेशन बोल रहा है, तो मैं यहाँ पर लोकेशन डाल देता हूँ यूपी। तो इस तरीके से यहाँ पे अपना लोकेशन डालेंगे यूपी, यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन आ चुका है, यूपी में कहाँ है वो सारा का सारा यहाँ पे आपका आ चुका है। तो मैं यहाँ पे यूपी इंडिया डालूँगा, इस तरीके से यहाँ पे इंडिया का शो कर देगा, इंडिया में आपका कहाँ है वो सारे का सारा आपको यहाँ पे शो कर देगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये फोटो डाल सकते हैं, एजुकेशन क्या है वो आप इस पर क्लिक करके अपना एजुकेशन यहाँ अपना कॉलेज का नेम डालिएगा, जो भी कॉलेज का नाम है वो आपको यहाँ पर डाल देना। जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ पिक के यूनिवर्सिटी, यहाँ पर डालिएगा, यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन नीचे ओपन होके आ जाता है। यहाँ पर देखिए जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैं यहाँ पर अपना जो है स्कूल नेम डाल लेंगे, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ पिक के यूनिवर्सिटी इस तरीके से। यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन आ जाता है, आप इसमें आपका जो जोन भी है वो आपको सेलेक्ट कर ले, जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी पिक के कैंपस स्कूल मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, वो आपको यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे डिग्री डाल देना है, इसके बाद फाइल्ड स्टडी, इसके बाद स्टार्टिंग डे यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे जो है ग्रेड ऑप्शनल है, यहाँ पे आप डालिए या छोड़ दीजिए। इसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी एंड सोसाइटी डाल देना है, डिस्क्रिप्शन डाल के सिंपली यहाँ पे सेव वाले पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ये सबमिट हो चुका है, इस तरीके से आपका भी यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका जो दो स्टेप हो चुका है, इसके बाद यहाँ पे स्टार वाले पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते यहाँ पे फोटो डालेंगे, यहाँ पे एड फाइव स्केल डालेंगे, यहाँ पे समरी डाल के यहाँ पे गो वाले पे क्लिक कर देंगे। चलिए यहाँ पे फटाफट से फोटो में डालता हूँ, इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप फोटो क्लिक कर सकते हैं या गैलरी में से फोटो आप इसको चूज कर सकते हैं। जैसे देखिए मेरा फोटो यहाँ पे आ गया, मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही ये फोटो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका फोटो आ चुका है, फोटो को इस तरीके से कर लेंगे या इस तरीके से घुमा फिरा भी इसको कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ क्रॉप का ऑप्शन आ जाता है, फिल्टर का ऑप्शन आ जाता है, इसका एडजस्ट का, इस तरीके से आप इसको सही कर लेंगे फोटो को। इसका यहाँ ऊपर में सेव का ऑप्शन है, इसको आप सेव कर लेंगे या आपका फोटो सेव हो जाएगा। यहाँ देखिए मेरा जो है यहाँ पे इंडस्ट्री लोकेशन करंट जो है फोटो सेव हो चुका है। सिमरी यहाँ पे आप सेव कर लेंगे, जो भी आपका सिमरी है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ देखिए मेरा जो है सिमरी भी आ चुका है, और यहाँ पे स्किल जो है तो यहाँ पे आपको 85 स्किल आपको यहाँ पे डाल देना है। चलिए मैं ये भी डाल देता हूँ, मैं अपने प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पे ऑप्शनल मैनेजमेंट का पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना जो भी ऑप्शनल मैनेजमेंट है उसको आप यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे बिल्डिंग है, यहाँ पे देखिए बिजनेस डेवलपमेंट है, इस तरीके से हॉस्पिटैलिटी है, इस तो यहाँ पे जो भी है इसमें से चूज कर लेना है आपका जो भी है। तो इसमें से आपको 5 चूज कर लेना है, ई स्टेट है, इस तरीके से आपको यहाँ पे 5 चूज कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे 5 हो चुका है, मैं यहाँ पे 82 प्रोफाइल पर क्लिक करूँगा, क्लिक करते यहाँ पे देखिए डन वाले पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए आपका कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से यहाँ पे देखिए आपका स्टार वाला भी कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे देखिए आपका जो है ऑल स्टार कंप्लीट है, और यहाँ पे हम गोल्ड पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपका जो है ये प्रोफाइल आपका सेट हो जाएगा। सो इस तरीके से देखिए आपका पूरा प्रोफाइल यहाँ पे सेटअप हो चुका है। अब यहाँ पे आपको कुछ भी करेक्शन नहीं करना है, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। लिंक आ गया है, इस पर क्लिक करके आप इसको किसी को भी सेंड कर सकते हैं, आपको यहाँ कॉन्टैक्ट आ चुका है। इस तरीके से आपका प्रोफाइल यहाँ पे सेट हो चुका है। अब किसी को भी सेंड करते हैं तो आप अपना प्रोफाइल किसी को सेंड करते हैं, ये वार कोड जैसे ही सेंड करेंगे यहाँ से, तो जो कोई भी पर्सन उसको स्कैन करके, जैसे भी आप ये वार कोड किसी को सेंड करते हैं, वो जो इसको स्कैन करेगा तो बहुत ही इजीली आपको जो वेबसाइट पर पहुँच जाएगा आपके लिंक्डइन पे, और वो आपको जान सकता है प्रोफाइल के जरिए कि वास्तव में ये बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जॉब भी, यहाँ पे देखिए बिल गेट्स भी यहाँ पे है, तो इसको भी आप यहाँ इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। सो इस तरीके से यहाँ पे आपको ढेर सारा मिल जाता है, और यहाँ पे जो भी जॉब अपलोड करते हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाता है। पोस्ट पर भी जाकर पोस्ट कर सकते हैं, नोटिफिकेशन में आप किसको किए रहिएगा या आपको कोई नोटिफिकेशन भेजेगा, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाता है। होम पर जाकर यहाँ पे आप अपना होम देख सकते हैं, इस तरीके से जो भी पोस्ट वगैरह आप कीजिएगा वो सारे के सारे यहाँ पे आपको आ जाता है। इस तरीके से अगर आपको जॉब फाइंड करना है
सिंपली जॉब वाले पे जाएंगे और यहाँ से आप कुछ भी जॉब को देख सकते हैं। जो जॉब रहेगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, रिलेटेड है, या आप यहाँ पे कोई भी जॉब को फाइंड कर सकते हैं। सर्च जॉब पे क्लिक करेंगे, अब जो भी जॉब को यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डाटा एंट्री, इस तरीके से डालेंगे और सर्च करेंगे तो आपके नीचे यह सारे के सारे डाटा एंट्री से रिलेटेड जॉब आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 2D डाला गया है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे आपका पूरा डिटेल आ जाता है। यहाँ पे जॉब डिटेल देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो भी है एजुकेशन, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वो सारा का सारा यहाँ पे आ जाता है। अप्लाई वाले पे क्लिक करके आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई वाले पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए आपका जो है ये जॉब के लिए अप्लाइड हो चुका है। तो इस तरीके से आप किसी को भी जॉब के लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से आप लेटेस्ट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हम बैक आएंगे और देखने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके लिए हम बैक आएंगे और बैक आ जाएंगे और मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कहाँ पे ये मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए अब जो भी अप्लाई किए रहिएगा वो यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे देखिए 236 न्यू वैकेंसी है और सिविल इंजीनियर में यहाँ पे मैं पहले आपको बताया था यहाँ पे 27 है। इस तरीके से इसको यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं, यहाँ कन्फर्म करेंगे तो ये सारे के सारे यहाँ पे आपका क्लियर हो जाता है। इस तरीके से आप बहुत ही ईजिली यहाँ पे नोटिफिकेशन में जाके आप यहाँ नोटिफिकेशन भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ भी पोस्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ पे आपको यहाँ पे जो भी पोस्ट किए रहिएगा वो सारे के सारे आ जाता है और जो भी आपको यहाँ पे भेजेगा वो भी आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको मिल जाता है। सो गाइस, इसी तरीके से बहुत ही आसानी से आप इस पे प्रोफाइल बना सकते हैं, उसको सेटअप कर सकते हैं। जैसे अगर आपको अपना वार कोड भेजना है तो यहाँ पे वार कोड वाले पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते यहाँ पे माय वार कोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ शेयर माय कोड पे क्लिक करेंगे और किसी को भी आप यहाँ से बहुत ही इजीली भेज सकते हैं। कोई भी पर्सन आपको डायरेक्ट इसको स्कैन करके आपको जो लिंकेड पे ओपन हो, यहाँ मैं व्हाट्सअप चूज कर लेता हूँ। चूज करते ही यहाँ पे आपका व्हाट्सअप ओपन होके आ जाता है। अब जिसको भी भेजना है इसमें से भेज सकते हैं। इसे मैं यहाँ पे इसको मैं भेज रहा हूँ, इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। इस तरीके से यहाँ पर देखिए मेरा वार कोड आ चुका है, मैं यहाँ पर इसको सेंड करूँगा और यहाँ पर देखिए कि मेरा वार कोड यहाँ पर ये जा चुका है। तो इस तरीके से आप किसी को भी अपना वार कोड भेज सकते हैं। जैसे ये स्कैन करेगा तो डायरेक्ट आपको लिंकेड पे जाके ओपन हो जाएगा। यहाँ से इसको आप सेव टू गैलरी पे क्लिक करके इसको आप सेव करके भी रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिंकेड कोड सेव टू गैलरी, ये यहाँ पर सेव हो चुका है आपकी गैलरी में, इसको यहाँ से आप डिसमिस भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ गैलरी में कहाँ पे सेव हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं पिक्चर है, यहाँ पे मैं सेव किया था तो मैं पहले किया था वो आ चुका है और एक अभी मैं किया हूँ वो आ चुका है। तो इसको स्कैन करके आपको कोई भी पर्सन आपके लिंकेड के जो प्रोफाइल है उस पर जाके आपको ओपन हो जाए। तो इस तरीके से आप लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बनाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एग्जामिनर जो होते हैं वो आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को चेक करती है और आपके प्रोफाइल को देख के ही वो काफ़ी कुछ डिसाइड कर लेती है और आपको पता भी नहीं चलता। इसीलिए लिंक्डइन पे आपका अकाउंट जरूर होना चाहिए और आपका जो है प्रोफाइल भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप अपनी प्रोफाइल में बिल्कुल वैसे ही डिटेल्स ऐड कीजिए जैसे आप रिज्यूमे में ऐड करते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।